हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम आपकी 10th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 30 करेंगे, जिसकी डेट है 11 सितंबर 2020। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं जैव प्रकरण के बारे में। कई पिछली वर्कशीट में आपका जैव प्रकरण ही आ रहा है और इस वर्कशीट में बताया गया है उत्सर्जन के बारे में। कोई भी जीवित शरीर होता है उसमें लगातार केमिकल रिएक्शंस बनते रहते हैं, क्योंकि वो जीवित है और उसके अंदर वो जो केमिकल रिएक्शन, मतलब जो रासायनिक अभिक्रियाएँ होती रहती हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ खाते पीते हैं, कोई भी जीवित शरीर होता है, तो उसके लिए वो जो विभिन्न प्रकार के वज्रीय पदार्थ भी लगातार बनते रहते हैं, वो जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसके वजह से। उस जीवित शरीर के लिए उन वो जो वज्रीय पदार्थ बन रहे हैं उनका निकलना बहुत ज़रूरी होता है। और एक कोशीय और बहुकोशीय जीवों में श्वसन, विभिन्न जंतु उत्सर्जन के लिए विविध युक्तियाँ यूज करते हैं। जो एक कोशीय जीव होते हैं वो क्या करते हैं, अपशिष्टों को अपने शरीर के सरफेस से जल में विसरित करते हैं, जबकि बहुकोशीय जो जीव होते हैं उनके स्पेशल बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनसे जो हमारे वज्रीय पदार्थ हैं हमारे शरीर से वो बाहर निकलते हैं। अपशिष्टों को विशिष्ट अंग, मतलब स्पेशल अंग है उनके लिए। मानव में उत्सर्जन देख लेते हैं कैसे होता है। मानव में उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य शरीर से जो नाइट्रोजन युक्त वज्र पदार्थ होते हैं ना, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, उनको बाहर निकालते हैं। इस तंत्र में होता है एक जोड़ा आपका वक्र में, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी में, एक मूत्राशय में, एक मूत्र नाग में होता है। ठीक है, ये चारों जगह होते हैं। ये इसका जो चार्ट है उत्सर्जन का, वक्र हो गया, मूत्र मार्ग हो गया, मूत्राशय हो गया, मूत्रवाहिनी हो गया। ये फॉन्ट थोड़ा छोटा है, जब आप डाउनलोड करोगे तब पढ़ना ठीक से। ठीक है, अब मूत्र बनने का उद्देश्य क्या होता है। मूत्र बनने का उद्देश्य ये होता है जो हमारे ब्लड में वज्रीय पदार्थ होते हैं ना, जैसे यूरिया होता है या यूरिया अम्ल होता है, उनको छानकर बाहर करने के लिए ये मूत्र बनता है। ठीक है, ये वज्र पदार्थ रुधिर से जो हमारा ब्लड होता है उससे वक्र द्वारा निष्कासित होते हैं। ये हमारा वक्र हो गया और वक्र से बाहर निकलते हैं, फिर ये मूत्रवाहिनी में आते हैं और मूत्रवाहिनी से आ जाते हैं मूत्राशय में, और मूत्राशय के बाद ये मूत्रमार्ग द्वारा निष्कासित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, वक्राणु नेफ्रोन वक्र का निस्संदन एकक। देखो, वक्र की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, रचनात्मक भी है और ये कार्यात्मक है। रुधिर कोशिकाओं द्वारा रुधिर अधिक दाब पर एक नलिका में गमन करता है ना, अधिक दाब पर एक नलिका में जब प्रेशर होता है तो तब वो घूमता है ना, देखते हैं ब्लड प्रेशर होता है। तो उस कोशिका गुच्छ, जिसे हम कहते हैं कोशिका गुच्छ कह सकते हैं या ग्लोमेरुलस कहते हैं, ये एक कैसी आकृति का होता है, कप की आकृति का होता है, जिसे बोमन सपोर्ट कहते हैं, ये से आच्छादित रहता है। ठीक है बच्चों, आप देख लेते हैं फटाफट से मूत्र का निर्माण भी। इसका भी मूत्र का जो निर्माण होता है ये भी एक पूरा प्रोसेस है। जब अधिक दाब के अंतर्गत कोशिका गुच्छ होता है अति सूक्ष्म बहुत छोटे निस्संदन द्वारा विलेय पदार्थों को बोमन संपुट में धकेल देता है, फिर जो ब्लड की हमारी नली है उसमें प्रवाहित होता है, जहाँ पर ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल का चयनित पुनर्वसोषण हो जाता है। जैसे जैसे जो मूत्र है नलिका से प्रवाहित होता है, कुछ आयन जैसे कि पोटेशियम है, अमोनियम है, रुधिर में मूत्र में प्रवाहित होते हैं। ठीक है, तब संग्राहक वाहिनी मूत्र एकत्रित करती है और जल का पुनर्वसोषण भी हो जाता है। इस मूत्र में यूरिया और यूरिक अम्ल व्यवर्णक जो मूत्र को रंग देता है वो भी होता है। ठीक है, मूत्र का निष्कासन कैसे होता है। मूत्र बनने के बाद वक्र से मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है, अभी तो हमने यहाँ पे सारा पढ़ा था वही है। मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है, यहाँ से मूत्राशय में आता है, तब तक लेकिन यहाँ पे ये एक अलग है कि तब तक वो भंडारित रहता है जब तक जो फैला हुआ मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग पे नहीं पड़ता, जब तक वो बाहर नहीं निकलता। ठीक है बच्चों, ये आपको पता ही है। चलिए आप देखते हैं एक कोशीय जीव किस प्रकार उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। तो इसका आंसर आप ये लिख देंगे, एक कोशीय जीव उत्सर्जन में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसरित करते हैं। ये दोनों दिए गए हुए थे ना, ये दिए हुए हैं दोनों के दोनों, ये आपको इसका पहले वाले का आंसर ये। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है बहुकोशीय जीवों में उत्सर्जन एक कोशीय जीवों से किस प्रकार अलग है। तो इसका भी आंसर वहीं पे है, बहुकोशीय जीवों में उत्सर्जन एक कोशीय जीव से भिन्न होता है, क्योंकि जो बहुकोशीय जीव में है अपशिष्ट को विशिष्ट
अंगों द्वारा निष्कासित करा जाता है, जबकि एक कोशीय जीवों में अपशिष्ट को शरीर की सतह से जल में विसृत करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। वक्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वक्र की कार्यात्मक इकाई ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये बच्चों ये नहीं है, थर्ड का आंसर है आपका ये। वक्र की कार्यात्मक इकाई वक्राणु नेफ्रॉन है। ठीक है, अच्छा अब फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मूत्र निर्माण में अति सूक्ष्म निस्यंदन की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाँ पता है, नेफ्रॉन में ये कहाँ होता है ये बताओ? तो ये नेफ्रॉन में होता है बच्चों, वोमन संपुट में होता है। कहाँ होता है वो? निस्पंदन वोमन संपुट में होता है। ये आपको आंसर लिखना है, याद रखो ये आपके फोर्थ का है और ये आपके थर्ड का आंसर है। ठीक है बच्चों, आप देख लेते हैं इन्होंने क्या बोला है। मानव उत्सर्जन तंत्र का निम्नांकित चित्र बनाइए। तो ये हो गया आपका मानव उत्सर्जन तंत्र का निम्नांकित चित्र, ये आपको इसमें बना देना है, ये वर्कशीट से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी वर्कशीट 30। और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। थैंक यू।